वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो स्टार्टिंग विद, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कहता क्या है हमारा ये आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो इससे हमारे का पता चलता है कि इसमें हमारे टोटल 5 ग्राउंड्स है, ठीक है, और इट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली टू दी सिटीजन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल अपॉन सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स एंड ऑल्सो ऑन द ज्यूरिश पर्सन। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है, इट्स ओनली एप्लीकेबल अपॉन दी सिटीजन्स। अब जो आर्टिकल 15 है, दैट प्रोहिबिट्स डिफ्रेंशिएशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, जो मैंने आपको बता दिया है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ध्यान रखना है इसमें कि ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, इसमें सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ है। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ के बीच जो डिफ्रेंशिएशन था, वो हमारा डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बताया गया था। अब आर्टिकल 15 जो क्लॉज 1 है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एक्सप्रेसिज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एम्बेडेड इन द आर्टिकल 14। जस्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन अप्लाइज टू आर्टिकल 14, जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल 14 में अप्लाई हो रहा है, वैसे ही सेम प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में भी अप्लाई होगा। द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इज नॉट दैट द स्टेट कैन नॉट पास अनइक्वल लॉज, बट इट डज नॉट पास अनइक्वल, मतलब उसका यह है कि स्टेट जो है वो अनइक्वल लॉज पास कर सकता है, बट द इनइक्वालिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन सम रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे, जैसे आर्टिकल 14 में रीजनेबल ग्राउंड्स थे, तो हम एक अनइक्वल लॉ भी पास कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, जो हमारे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हैं, ठीक है, ये हमारे इन बेसिस में हमारा स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आर्टिकल 15 जो है, इट इज़ द फेसिट ऑफ द आर्टिकल 14। लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का 1 भी है, ऑल्सो कवर द एंटायर रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़, बट इन अ वे द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 जो है वो नैरो है आर्टिकल 14 से काफ़ी एस्पेक्ट्स में। आर्टिकल 14 जो है वो जनरल नेचर का है, जो कि अप्लाई करता है बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को, जैसे मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 15 का 1 जो है वो कवर करता है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स को अप्लाई नहीं करता है। तो इसलिए आर्टिकल जो 15 का जो रेंज है वो काफ़ी नैरो है आर्टिकल 14 से। अब जो आर्टिकल 15 है हमारा, अब जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 मेंशंस अबव कंटेन अ सर्टन प्रोहिबिशन ऑफ जनरल नेचर एंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू द स्टेट ओनली। यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे, नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 पढ़े, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में यहाँ पे अकेली स्टेट नहीं है, यहाँ पे हमारा सिटीजन बीच में आ जाता है। तो इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इफ अ सेक्शन ऑफ पब्लिक पुट्स फॉरवर्ड अ क्लेम फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द पब्लिक वेल। अब जैसे कि कोई हमारी कोई वेल है, अब वो एक्सक्लूसिवली लोगों ने वहाँ पे बोला है कि ये एक्सक्लूसिवली यूज जो है ये इसी चीज़ के लिए होगा, और ये हमारा कोई बहुत पुराना एक धर्म वर्म के हिसाब से चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इफ अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक पुट्स फॉरवर्ड अ क्लेम फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द पब्लिक वेल, इट मस्ट एस्टेब्लिश दैट द वेल वॉज डेडिकेटेड टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पब्लिक। कि हमें ये डेवलप करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, हमें इस क्लेम को प्रूव करना पड़ेगा कि अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में जैसे हमारा मेंशन है, अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारे दी अ प्लेस ऑफ द पब्लिक रिजॉर्ट। अब इस पे हमारे दो व्यूज़ हैं, एक हमारा वाइडर व्यू है और एक हमारा नैरोर व्यू है। ब्रॉडर व्यू का कहता है कि अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट एज वन टू विच द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर अलाउड एक्सेस, कि वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारा ब्रॉडर व्यू है। एंड वेयर दे हैबिचुअली रिजॉर्ट टू, वहाँ पे आते जाते रहते हैं, एक्सेस है उनको, वो पूरा उनको आना जाना वहाँ पे रहते हैं वो लोग। तो ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू है। और हमारे जो उसका नैरोर व्यू है वो ये है कि ये बस एक हमारा मैटर ऑफ लीगल राइट है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें हमें ये पता चलता है। अब उसके बाद हमारा
15 क्लोज 3 आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दी स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर दी वुमेन एंड दी चिल्ड्रन। अब जो स्टेट है वो हमारा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ भी लॉ वगैरह बनाया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, और वो हमारा वॉलेटिव नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कंसीडर एक्सेप्शन टू 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2। याद रखना कि 15 क्लॉज 3 15 क्लॉज जो 4 है वो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3 द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो स्टेट जो है वो बना सकता है लॉ फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। द कॉन्स्टिट्यूशन इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड दस इट निगलेक्ट्स द जेंडर बायस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी ऊपर और स्टेटस के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है और जेंडर बायस के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो उसको इग्नोर करता है, वो कहता है कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमारे उसमें। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज़ वाइड इनफ टू कवर द एंटायर रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटी इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट। 15 के 3 में हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट सब कवर हो सकता है इसमें, तो इसमें कुछ भी वो रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 देखेंगे जिसमें कि लिखा हुआ नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन और द एससी एंड एसटी। अब इसमें क्या है, ये जो हमारा क्लॉज है इट वॉज अमेंडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ही क्लॉज, इस क्लॉज में हमारा एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को इंक्लूड किया गया था। ये अमेंडमेंट क्यों हुई, इससे पहले हमें जानना होगा एक केस जो कि हमारा केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोराजन। इस केस में क्या होता, मद्रास गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर अलॉटिंग सीट्स इन द स्टेट मेडिकल कॉलेज, वो भी कम्युनिटी वाइज, उन्होंने स्टेट मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी वाइज सीट अलॉट कर दी। जैसे कुछ सीट्स उन्होंने नॉन ब्राह्मण को दे दी, कुछ बैकवर्ड क्लास को दे दी, कुछ बैकवर्ड क्लास के हिंदूज़ को दे दी, कुछ ब्राह्मण्स को दे दी, कुछ हरिजन्स को दे दी, कुछ एंग्लो इंडियंस को दे दी, कुछ मुस्लिम्स को दे दी। दिस वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बिकॉज इट क्लासीफाइड स्टूडेंट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट। अब इससे पता चलता है कि जब हमारा क्लॉज में मेंशन नहीं था कि एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड या एससी एसटी के लिए हमने कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है, तो इसके बिना कुछ भी हम लॉ पास करेंगे तो वो इनवैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे जो लॉ बनाने की शक्तियाँ कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वो शक्तियाँ नहीं दे रखी तो इसका मतलब वो लॉ इनवैलिड होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट होती है जिसमें कि हमने इन सब की डेवलपमेंट के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए हमने इसको ऐड ऑन कर लिया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो कन्फर करता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द स्टेट। ये कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं है उनकी, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी मर्जी है वो बनाए या ना बनाए। अगर उनको स्टेट को लगता है कि एससी एसटी या कोई भी ऐसी कास्ट है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उनके लिए हम लॉ बनाए जा सकते हैं। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15(4) इज़ वाइडर देन 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कवर्स विद इन इट्स सेवरल काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम्स इन एडिशन टू रिजर्वेशन। हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट मस्ट बी विद इन द रीजनेबल लिमिट दैट इज 50%। द सेम लिमिट अप्लाइज टू 15 क्लॉज 3। रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लास इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जैसे मैंने वो पहले बताया उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट है जो कि वो फॉलो करते हैं। अब उसके बाद एक और केस आया, अब जैसे एक वुमेन है जो कि हमारी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करती, जब वो पैदा हुई थी वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग या कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है। शी वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज टू अ मेल ऑफ डेट कम्युनिटी। अगर उन्होंने शादी कर ली किसी बैकवर्ड क्लास से तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एलिजिबल हो जाएंगी उस बैकवर्ड क्लास में, तो हम अपने आप को उस बैकवर्ड क्लास में डाल नहीं सकते। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि द पावर अंडर 15 क्लॉज 4 इज डिस्क्रिशनरी, द एक्सप्रेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इज वाइड इनफ, इट इंक्लूड मैनी मोर थिंग्स बिसाइड द रिजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। 15(4) नीड नॉट टू बी फॉर्म ए लेजिस्लेशन। 15 क्लॉज 4 जो है अभी लेजिस्लेशन ही फॉर्म में होना जरूरी नहीं हो सकता, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है,
further categorization of the backward class into more backward classes is not allowed. This was held under Balaji case. ये हमारा बालाजी का केस आया था, उसमें ये बोला गया था. अभी जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसप्लांट इन दी बैकवर्ड क्लास कास्ट बाय मैरिज, अडॉप्शन, कन्वर्जन, माइग्रेशन नॉट अलाउड. जैसे जो मैंने आपको रिसेंट केस बताया जिसमें कि वुमेन जो थी हु वॉज नॉट बॉर्न इन दी बैकवर्ड क्लास ऑफ कम्युनिटी, शी विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट अ इलेक्शन ऑन दी सीट दैट इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर दी बैकवर्ड क्लास, तो ये नहीं होगा. तो दिस वॉज हेल्ड इन दी वाला सम्मा पॉल वर्सेज कोचिंग यूनिवर्सिटी. बैकवर्डनेस कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली, स्टेट टू रिव्यू द सिचुएशन. जगदीश नेरी वाले केस में बताया गया था कि स्टेट को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि बैकवर्डनेस जो है वो कंटिन्यूसली हमारी चलती ना रहे, क्योंकि हमारा जो बैकवर्डनेस बनाने का जो एक रीज़न था वो ये था कि हम उनकी बैकवर्डनेस किसी टाइम के बाद ख़त्म कर दें. जब उनकी हमें अपलिफ्टमेंट करेंगे तो एक टाइम के बाद वो बैकवर्ड नहीं रहेंगे. अगर हम उनको अनलिमिटेडली दे देंगे तो हमारे इक्वालिटी का जो रूल है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. अब सबसे इम्पोर्टेंट केस आ गया हमारा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. इसमें क्या था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, बैकवर्डनेस मस्ट बी सोशल एंड इकोनॉमिकल, सॉरी एजुकेशनल, बट नॉट सोशल और एजुकेशनल. दो कास्ट में बी रेलिवेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग सोशल बैकवर्डनेस बट नॉट अ सोल टेस्ट. उन्होंने बताया कि सोल टेस्ट नहीं होगा. ये हो सकता है, हम देखा जा सकता है कास्ट को, उनकी बैकवर्डनेस को, उनकी पावर्टी को, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बाकी फैक्टर्स भी हम देखेंगे, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह सब कुछ कंसिडर किया जाएगा. स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस क्लास of the ST for the admission in the education institution for the private education institution whether aided or unaided. तो हमारा स्टेट जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एडमिशन के लिए, चाहे वो जो हमारा कॉलेज है या जो हमारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो एडिड है बाय द स्टेट और नॉट, हम उनके लिए हमारा लॉ बना सकते हैं. हमारा 15 क्लॉज 5 वॉज अमेंडेड बाई 93rd अमेंडमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ PM ईमानदार केस. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो पर्सन है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि हम पता कैसे लगाएं कि वो सिंपली कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लेस डाउन नो क्राइटेरिया टू डेजिग्नेट बैकवर्डनेस क्लास. इट लीव्स द मैटर टू द स्टेट टू स्पेसिफाई बैकवर्डनेस क्लास. बैकवर्डनेस जो है वो स्टेट डिफाइन करते हैं, लेकिन कोर्ट इसमें ये देख सकती है. द कोर्ट कैन गो इन टू द क्वेश्चन वेदर द क्राइटेरिया यूज बाई द स्टेट फॉर द पर्पस आर रेलिवेंट या नहीं. जो जिस क्राइटेरिया के हिसाब से स्टेट ने बनाया है कि हाँ ये बैकवर्डनेस वो रेलिवेंट था या नहीं था. द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग बैकवर्डनेस क्लास हैज़ बीन कंसिडर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन न्यूमरस केस. काफ़ी केसेज में आया है, जैसे बालाजी वाले केस में आया था. सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हैज़ बीन द स्टेट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और इसलिए उनको हमें ठीक तरह उपयोग करना चाहिए. फर्स्ट दिस बैकवर्डनेस बाय बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज बोथ, जैसे मैंने आपको बताया बालाजी केस में बताया गया था कि ये हमारी बैकवर्डनेस जो है वो सोशली भी है और एजुकेशनली भी है, ना कि हमारी और है. तो जब हमारा वो कोई भी इंसान सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा तभी वो हमारा 15 क्लॉज 4 या 15 क्लॉज 5 के अंदर के एम्बिट के अंदर आएगा, उसके बिना नहीं आएगा. अगर वो सिर्फ सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, तो भी नहीं आएगा. इसलिए उन्होंने बताया कि ये दोनों होने ज़रूरी हैं, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे. सेकेंडली, बालाजी वाले केस में बताया गया पावर्टी अलोन कैन नॉट बी द टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पावर्टी बहुत है और अगर ऐसे हम बैकवर्डनेस में डालने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. उसके बाद उन्होंने बताया कि कास्ट में भी रेलिवेंट फैक्टर टू डिफाइन द बैकवर्डनेस, लेकिन वो सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, डोमिनेंट क्राइटेरिया नहीं हो सकता. बाकी चीज़ें भी देखेंगे जैसे कि पावर्टी, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, ये सारे हमारे बैकवर्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं. बैकवर्ड में भी डिफाइंड विदाउट एनी रेफरेंस टू कास्ट. उसके बाद एज द सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 डू नॉट स्पीक ऑफ कास्ट बट स्पीक्स ऑफ क्लासेस, वो कास्ट के बारे में नहीं क्लासेस के बारे में भी बोलता है. एंड दैट द कास्ट एंड द क्लासेस आर नॉट सिनोनिम्स. ठीक है, अब उसके बाद क्या था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो बालाजी का केस आया. बालाजी केस हमें याद रखना होगा कि बालाजी केस हमारा कौन से साल में आता. तो बालाजी वाला केस हमारा 1963 में आता, हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुई थी. उसके बाद हमारा बालाजी वाला केस आया था ये. ठीक, बालाजी के बाद हमारा आया केस
चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो बालाजी वाला केस है चाहे वो हमारा चित्रलेखा वाला केस है, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप देखना जो। जैसे कि क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन के लिए कितनी क्वांटम ऑफ बताया उन्होंने, जैसे कि 50% था, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा प्रॉपरली है। अब स्टार्टिंग विद दिस, अशोक कुमार ठाकुर, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 93 अमेंडमेंट को हमने अपहेल्ड कर दिया था, वो चैलेंज्ड एंड उसको अपहेल्ड कर दिया था, कोर्ट ने बोला था कि इट वॉज गुड इन लॉ और ये किसी भी वॉयलेशन के साथ नहीं जा रही है, तो ये ठीक है एकदम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, आज के लिए इतना ही, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।